ग्लेशियर के कारण गाड़ी कुछ गाड़ियों का नुकसान। ये ग्लेशियर आ गया यहाँ से, ये गाड़ियाँ 4-5 गाड़ियाँ डैमेज हो गई। हो सकता है यहाँ गाड़ी ना हो, बस यहाँ पर गाड़ी ना हो। हे साइड वाले उजन उभी है लेदा उजन साइड जाओ साइड जाओ हे पीछे आ भाई चलो और क्या सकता है। ग्लेशियर आते हुए बाद में धियो थी। मनाली दे विच बर्फीला तूफान आया जिसके कारण लोगों के विच हाहाकार मच गई है, सहम का माहौल बनया हुआ है ते कई गड्डियां बर्फ दे हेठा दबिया ने। ता वड्डी खबर कुल्लू मनाली तो सामने आ रही है जिते कि एक बार फिर तो बर्फीले तूफान ने हाहाकार मचा दिती है। दस दिए कि बर्फ दे हेठा कई गड्डियां दब चुकिया ने, घूमन दे लई वड्डी गिणती दे विच सैलानी पहुंचे हुए ने ते हुण उन्हां नूं रेस्क्यू करके सुरक्षित थावां दे उत्ते पहुंचाया जा रहा है। ता वड्डी खबर कुल्लू मनाली तो बर्फीले तूफान ने हाहाकार मचाई है अते कई टीमां नूं प्रशासन दे वल्लों रेस्क्यू दे विच तैनात कर दिता गया। सैकड़े सैलानी पहुंचे हुए ने बर्फबारी का मजा लैण दे लई, पर इसी दे विचकार कहा जा रहा है कि बर्फीला तूफान आउंदा है जिस दे कारण सड़कां ते कई कई फुट बर्फ जम जाती है। कई वाहन इस बर्फ दे हेठां दबे हुए ने जिन्हां नूं रेस्क्यू किया जा रहा है। मौके दे उत्ते वड्डियां टीमां नूं तैनात किया गया। हालांकि स्कूल बंद कर दिते गए ने, इलाके दे विच बत्ती भी गुल कर दिती गई है। दस दिए कि मनाली सुलांग दे कोल नहरू कुंड दे कोल इह भारी बर्फीला तूफान देखण नूं मिलिया जिते कि सारिया गड्डिया जो ने बर्फ के हेठा दब गई ने अते कई लोगों को हुण तक रेस्क्यू किया गया है। दरअसल तुहानूं दस दिए कि अक्सर इन्हां दिनां दे विच जो सैलानी ने वो वड्डी गिणती दे विच बर्फबारी का मज़ा लैण दे लई कुल्लू मनाली वल रुख करते हैं, पर इसी दे विचकार कहा जा रहा है कि बर्फीला तूफान आया उन्हां दीआं गड्डियां जो ने बर्फ के हेठा दब गईआं ने। हालांकि किसी भी जानी नुकसान की खबर सामने नहीं आई है, पर किते ना किते इन्हां तस्वीरां तो खुद अंदाजा लगाया जा सकता है कि किन्ने भयानक तरीके दे नाल ए बर्फीला तूफान आया। कहा जा रहा है कि कई गड्डियां पहाड़ी तो हेठा डिग चुकियां ने ते इलाके दे विच वड्डे पद्धर दे उत्ते रेस्क्यू टीमां नूं तैनात किया गया है। तो रेस्क्यू जो है हुण तक कई सैलानियों नूं किया गया, सुरक्षित थावां ते पहुँचाया। तो ये तस्वीरां मनाली तो सामने आईयां ने जिथे कि बर्फीले तूफान ने एक बार फिर तो कहर मचाया। ग्लेशियर के कारण गाड़ी कुछ गाड़ियों का नुकसान। ये ग्लेशियर आ गया यहाँ से, ये गाड़ियाँ 4-5 गाड़ियाँ डैमेज हो गई। हो सकता है यहाँ गाड़ी ना हो, बस यहाँ पर गाड़ी ना हो। हे साइड वाले उजन उभी है लेदा उजन साइड जाओ साइड जाओ हे पीछे आ भाई चलो और क्या सकता है। ग्लेशियर आते हुए बाद में धियो थी। मनाली दे विच बर्फीला तूफान आया जिस दे कारण लोगों दे विच हाहाकार मच गई है, सहम दा माहौल बनया हुआ है ते कई गड्डियां बर्फ दे हेठा दबिया ने। ता वड्डी खबर कुल्लू मनाली तो सामने आ रही है जिते कि एक बार फिर तो बर्फीले तूफान ने हाहाकार मचा दिती है। दस दिए कि बर्फ दे हेठा
ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੱਬ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਕੁੱਲੂ ਮਨਾਲੀ ਤੋਂ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਸੈਲਾਨੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਰਫੀਲਾ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਈ ਕਈ ਫੁੱਟ ਬਰਫ਼ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਹਨ ਇਸ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਬੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀ ਵੀ ਗੁੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਨਾਲੀ ਸੋਲਾਂਗ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹਿਰੂ ਕੁੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਭਾਰੀ ਬਰਫੀਲਾ ਤੂਫਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੈਲਾਨੀ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲੂ ਮਨਾਲੀ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਰਫੀਲਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜੋ ਨੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਰਫੀਲਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਰੈਸਕਿਊ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਨਾਲੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿਰ ਮਚਾਇਆ।